नहीं है, एक बार फोटो आप ले लेते हैं। अरे सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। देखिए इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नहीं वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं, तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था, और थैंक यू, थैंक यू। जी जनाब, जी प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की, सो इट बूस्ट्स आर मोरल्स, हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें। एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ, सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार। प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए, कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माई आइज, एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए और कुछ और अचीव करने के लिए। जी ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा छा गया हमारे देश में,
इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है, कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बन जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही अंदर के कलाकार को और एक्सप्लोर कर सकें। एट द मोमेंट मैं अतरंगी टेलीविज़न के लिए हरा सिंदूर नामक एक शो कर रही हूँ, एंड टोटल गुंडे का रोल है जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो करने के लिए, एंड बहुत अच्छे से रिसीव भी किया जा रहा है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I can't hear you, sir. कहाँ से बात कर रहे हैं? Sorry. Yeah, sorry. Yes, sir. Tell me. मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर यू नो इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और यू नो अपना टोकन और अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो। सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी, बोथ। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन। सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोस की है और म्यूज़िक वीडियोस मेरे और आ रहे हैं और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बट समथिंग गुड कमिंग अप सून। या एनी मोर क्वेश्चंस? दैट्स इट। यहाँ पे यहीं पर ना का लुक का दूँ? या ठीक है, ओके ओके ओके। आई हैव नोन हिम फॉर अ वाइल एंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन अटेंडेंस ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग। Uh,
आई थिंक ये जो OTT का चलन या OTT का एक्सपेंशन जो हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ना ही सिर्फ कलाकार, ना ही सिर्फ एक्टर्स, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री के जो सारे प्रोफेशन हैं सबको, सबके लिए काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है. एंड ऑफ कोर्स MX इज वन ऑफ द बेस्ट, सो इट्स अ ग्रेट थिंग. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया. और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से नवाजे जाते थे. और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ. बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पर आया अवार्ड रिसीव करने. ओके, तो फ़िलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फ़िलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है. और इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस. क्या कौन पूछेगा? I think only the question for the award that he's winning. Yeah, I couldn't even hear. Yeah. Do we have any questions? Should I just do the answer? You know. हाँ, दिल से जो आए वो मैं बोल देता हूँ. इट्स जस्ट दैट एक्सट्रीम ऑनर एंड अ प्रिविलेज जब दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड जैसा आपको एक अवार्ड मिलता है. आई थिंक इन दिस लाइन ऑफ वर्क एवरीवन चेसेस परफेक्शन, पर मेरा एक हमेशा कोशिश रही है कि एक्सीलेंस जो है उसके पीछे हमारा काम हो. एंड आई एम जस्ट रियली ऑनर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दादा साहब फाल्के हैज़ रिकग्नाइज दैट. And I hope to live up to all of their expectations. So thank you very much for this incredible award. Thank you. Thank you. Aaj. Thank you. यहाँ पे आके बोलूँ क्या? खुशी तो बहुत है क्योंकि ये दादा साहेब फाल्के है जिन्होंने, वो इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, वहाँ से शुरुआत हो रही है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. जी जी,
देखते हैं अभी अंदर जाएंगे कौन कौन आए हैं, उनसे मिलेंगे और पूछेंगे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड शुड बी फन. लुकिंग फॉरवर्ड. अभी आशन की और भी टीम आने वाली या फिर आप? हाँ शायद आएंगे. इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये नॉमिनेशन मिला है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. थैंक यू ऑल एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दैट शो. इसके बाद हाँ, इसके बाद हाँ जी एक और. थैंक यू, थैंक यू. Sir is here. I think you should take his bite. I'll come back. Let him. I don't want to make him wait. Please, you please carry. Good evening. Good evening. Photo chahiye? Yahan khada hona padega. Okay. Yahan aata hu. मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है आज, और जब ऐसा अवार्ड माननीय दादा साहब फाल्के के नाम से जुड़ा हो तो उसकी अहमियत बहुत ही बढ़ती है. तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार से नवाजा गया है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड हर्ष जी, हर्ष गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है. और हर्ष जी मेरे दोस्त हैं और कई सालों से वो कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो. और आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है और मुझे भी शायद ये सम्मान मिलेगा ऐसा लगता है. तो नेचुरली दिल से खुशी है मुझे. कौन सा गाना सुना है इस मौके पे? इस मौके पे कौन सा? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ.
टेंशन मत ले यार। हेलो, हाँ आई मीन बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग सो थैंकफुल टू देम एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग। पर्सनल फ्रंट आई एम बट आई कांट रियली शेयर दोज डिटेल्स हियर बट या होपफुली वेरी सून आप लोग से एक और बार मुलाकात होगी एंड देन वहाँ पे अनाउंस करें। अच्छा सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस। और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास पर मुझे उतने पसंद नहीं आए। आप कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर करूँ। अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस OTT आएगा तब देखा जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल, दिस इज माई थर्ड विद दादा साहब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड इट डेफिनेटली यू नो इनकरेजेस यू, मोटिवेट्स यू टू वर्क इवन मोर हार्डर। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक आप सबको, बहुत 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 ईद मुबारक। थैंक यू। It's not fair, no, sweetheart. It's not fair. It's not fair. ये सब लोग वेट कर रहे हैं, वाइ शुड आई गिव यू सिंगल राइट? मुझे आज दादा साहब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो मैं उन सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके काम के ज़रिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मुझे कई अवार्ड मिले हैं इटली में, हॉलीवुड में, लंदन में, लेकिन जब अपने देश का अवार्ड मिलता है तो उसमें एक ख़ास मिठास होती है और इसलिए मैं अवार्ड्स कमेटी, हर्ष जी, पूनम जी सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि अपने एक मुल्क से मुझे इतना महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। Yeah, but yeah, but yeah.
Well, it's a beautiful saree. What more can I say? I think occasion ke liye bahut sahi hai. And yeah, I think hamare stylist ko sa credit dena chahiye. Because of them, we are the way we are. Because they dress us and they make us look the way we are. I'm really happy I'm back again for the Dada Saheb Phalke Awards because iske pehle bhi mujhe ek award mila hai for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful, and jabhi bhi koi kehta hai ki kaun si badi baat hai, award hi hai. I think awards are wonderful because it's a validation of sorts. Whatever work we do, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर awards मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं, so I like it. I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you, only you, I'll give you a hint. Now, I just want to wish everybody all the very best. Sare jo recipients here of the Dada Saheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. Kya hua? What happened? One second, give me one second. जाऊँ पे हो जाऊँ.